इसमें लिखा है, रॉकी भाई के मरने की खबर के बाद हर कोई केजीएफ पर अपना हक जमाना चाहता था। केजीएफ तो तबाह हो चुका था, लेकिन उसके नीचे माइंस में अभी भी सोना भरा पड़ा था और उसे निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ केजीएफ के लोग ही कर सकते थे। तो कुछ पुराने मेंबर्स ने लोगों को फिर से पहले जैसे जीने को मजबूर कर दिया था। लेकिन वानरम को अमेरिका से एक मैसेज आता है, रॉकी भाई सही सलामत है। ये सब तो बस उनकी एक चाल थी ताकि वो सारा सोना अमेरिका पहुंचा सके। तुम्हें क्या लगा रॉकी भाई की कहानी का थी एंड हो गया? कहानी का थी एंड नहीं, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। मैडम, रॉकी लौट आया है और आते ही उसने अपने सारे दुश्मनों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही फिर से अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। मैंने अपनी मां से वादा किया था कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे लाऊंगा और उस वादे को पूरा किए बगैर मैं मर नहीं सकता। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और इंडिया, इन सारे देशों की सारी दौलत पर सिर्फ और सिर्फ रॉकी भाई का हक है। मेरा सारा गोल्ड अमेरिका लेके आ गया हूं और अब यहीं से मैं दुनिया पे राज करूंगा। मौत और दर्द की चीखों के बीच निशब्द कराता